दिल्ली में कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन करने जा रहे आप विधायक संजीव झा को हिरासत में ले लिया गया है। संजीव झा ने कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन का ऐलान किया था। कपिल मिश्रा केजरीवाल से पार्टी नेताओं के विदेशी यात्रा का ब्यौरा मांग रहे हैं, जिसको लेकर वो चार दिनों से अनशन पर हैं। और एक तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कपिल मिश्रा की, जो अनशन पर हैं और जब उनकी आंखें नम हो गई थी, ये तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ये हिरासत में लिए गए हैं संजीव झा, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दीपक रावत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। दीपक, ये जो जंग शुरू हुई है आपके अंदर अनशन की, ये कब खत्म होगी, इसमें कौन जीतेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अब मुकाबला कांटे का होता है यहाँ पर। देखिए, चार दिन पहले कपिल मिश्रा पहुंचते हैं और कहते हैं कि अनशन करूंगा, अपने घर के बाहर ही अनशन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद चार दिन बाद संजीव झा सामने आते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भी कहते हैं कि कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन करेंगे। तो अनशन बनाम अनशन चल रहा है, आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं, हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी से उनको निलंबित जरूर किया गया कपिल मिश्रा, लेकिन अपने आप को आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ मानते हैं, कहते हैं कि इसी पार्टी में रह के लड़ूंगा। तो आम आदमी पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी कह सकते हैं या अनशन बनाम अनशन कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि संजीव झा को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है और कहा गया है कि संजीव झा की तरफ से कि जहां भी रहेंगे अनशन जारी रखेंगे, अनशन नहीं खत्म होगा, क्योंकि जब तक कपिल मिश्रा के सामने वो प्रूफ नहीं रखेंगे कि जिस दिन की बात कपिल मिश्रा कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन की तरफ से केजरीवाल को दिए गए थे, उस दिन की बात के बारे में कोई सबूत उनके पास नहीं है, और बिना सबूत के किस तरीके का अनशन कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसे में तमाम चीज़ें संजीव झा भी अपनी तरफ से कह रहे हैं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि कल रविवार को 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा, तमाम सबूत रखूंगा, सबूत से कई दूसरे आरोप भी लगाऊंगा और बड़े लोगों के चेहरों से नकाब भी हटाऊंगा। तो फिलहाल लड़ाई जोरों पर है और अनशन बनाम अनशन तो चल ही रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए।